माँ ही होती है। माँ की अहमियत हमें उनके जाने के बाद ही पता चलती है। सब समझ रही हूँ मैं। वो तो तू मेरे पति पर डोरे डाल रही है ना, अपना काम निकलवा रही है। जी भाभी, ये बोलते हुए आपको शर्म भी नहीं आई? वो मेरे भाई हैं, भाई। आई बड़ी भाई वाली। मेरे जैसी बहनें तो मैंने बहुत देखी है, वो बस पैसों पे मरती है, पैसों पे। भाभी आपसे तो बात ही करना बेकार है। मैं तो क्या, पूरी कायनात इसे डॉक्टर नहीं बनने देगी और मेरा काम आसान करेंगी ये मेरी प्यारी भाभी। अब थोड़ी आग तो लगानी पड़ेगी ना। सपना, अच्छा हुआ तू आ गई, चल यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना। कब तक ऐसे बैठ के रोती रहेगी? मैं बोल रही हूँ ना, तू मेरे साथ चल, मैं मम्मी से बात कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मेरी माँ ने अपने आखिरी समय पे बोला था कि यही मेरी माँ है और यही मेरा घर। मैं उनकी बातों को टाल नहीं सकती। मुझे पता है तू आंटी से कितना ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए मैं तुझे फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। बट तू मुझे प्रॉमिस कर, अभी मेरी कसम खा कि अगर तुझे यहाँ पे थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तू बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेरे घर आ जाएगी। हाँ मेरी दूसरी माँ, प्रॉमिस। खैर ये सब छोड़, ये देख मेरे क्रश ने मेरी स्टोरी पे रिएक्ट किया है। देखा, मैंने तो तुझे बोला ही था कि उसके मन में भी मेरे लिए कुछ कुछ होता है। तू और तेरा क्रश, मैं बोल रही हूँ ना, वो अच्छा लड़का नहीं है। जब तक तब उसकी बुराई करती रहती है। खैर मेरे पेट में ना चूहे हाथी सब कुछ दौड़ रहे हैं। अपनी दोस्त को कुछ खिलाएगी भी है, बस ऐसे बिठाए रखेगी। इस घर में तो मुझे ही खाना नहीं मिलता, मैं इसे कैसे खिलाऊं? वो ठीक है समझ गई मैं, छोड़। मैं कुछ ऑर्डर करूं, बोला क्या खाना है? पिज्जा? नहीं नहीं, वो तो तेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट मोमोज खाता है ना। ये देख, भाभी। कितनी गर्मी हो रही है ना, चलो ना कुछ ठंडा पीते हैं। ठीक है, चल चल। यही सही मौका है भाभी। हाँ, आपके इयररिंग्स ना बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अच्छा, मायके से मिले थे, तुझे जब चाहिए हो बेफिक्र होके ले लेना। ठीक है भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। तुझे तो पता है ना, भाभी नन से पहले हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तू जो चाहे वो मुझसे बोल सकती है। आपको नहीं लगता इस बानी की नजर कुछ ठीक नहीं है भैया के लिए? है ना, मुझे भी यही लगा था। और नहीं तो क्या, जब देखो भैया के पीछे पड़ी रहती है, जबरदस्ती रोटी खिलाती है, एडमिशन के पीछे पड़ी रहती है। मुझे तो लगता है ना ये भैया से पैसे निकलवाना चाहती है। मेरा काम तो हो गया, अब आगे का ये खुद देख लेंगी। चलो भाभी, मुझे ना कॉलेज की तैयारियां करनी है तो मैं निकलती हूँ। ठीक है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनिए जरा, जल्दी बोलो, 5 मिनट में मेरी मीटिंग स्टार्ट है। वो ना मुझे ना स्टोर रूम से ना थोड़ा सामान निकलवाना था। अरे तो किसी और को बोल दो, मैं ही मिलाऊंगा तुम्हें सामान निकालने के लिए। उसको बोल दो, जीतू को बोल दो। वो ना घर पे नहीं है। अरे भाई मेरी पीछे पड़ी रहती हूँ, ये उतार दो वो उतार दो। बानी को बोल दो वो उतार दे। आप बुलाओ ना प्लीज उसे, प्लीज मेरे प्यारे हबीब बुला दो ना। बानी बेटा। हाँ जी भैया। एक काम करो, भाभी जो बोल रही है ना सामान उतारने को, उतार दो ऊपर से, जाओ। जी भैया। अब जाओ के खड़ी रहोगी? कहाँ है भाभी? आगे जाओ ना, वहां पर वो रखा। आगे कहाँ? वो रहा ना, वहां पे रखा है ना, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। दिख नहीं रहा है कहाँ है?
भी क्या कर रहे हो? खोलो दरवाजा। आप डाले मेरे पति पर डोरे। बोलो। मम्मी तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो मम्मी जी वो क्या कर रही है? आगे बोलेगी। मम्मी जी अब आपसे क्या ही छुपाना। वो ना मम्मी जी, मैंने अपने कानों से सुना था कि बानी ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी फोन पे, और उसके घर में ना कोई भी नहीं है, तो अकेले मिलने जाने वाली थी। अब आपको तो पता ही है ना, लड़का लड़की अकेले घर में हो तो भगवान। हे क्या कह रही हो भाभी? ये लड़की मर क्यों नहीं गई अपनी माँ के साथ? मेरा घर बर्बाद करने चली आई है। हाँ मम्मी सही कह रही हो, काश ही कोई एक्सीडेंट में होती और आज जिंदा ही ना होती। मम्मी जी लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ना सब संभाल लिया है। लेकिन है कहाँ वो कल मोही? उसको ना मैंने स्टोर रूम में बंद कर दिया है, थोड़ा टाइम अंदर रहेगी ना सब अपन ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल सही किया तुमने, बाहर मत निकलने देना उसे, इसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। जी मम्मी जी। चलो मम्मी। भाभी दरवाजा खोलो। सुबह से शाम हो गई, पानी का अभी तक तो रिप्लाई ही नहीं आया। फोन लगाती हूँ। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो समना, हेलो। हेलो पानी। हेलो। अरे क्या हुआ? बोल चांदी से बता क्या हुआ पानी। ये जरूर किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, इसकी बुआ को फोन करके वहीं बुला लेती हूँ। देखना ये ड्रेस अच्छी लगेगी ना कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए। अरे हाँ बेटा तुझ पे तो सब अच्छा लगता है। बानी बानी कहाँ है मेरी बच्ची? ये शोर कैसे है? बानी क्या है, क्यों अल्लाह मचा रखा है हमारे घर आके? यहाँ कोई बानी वानी नहीं है, अपने घर जाओ। अबे ओ छुटंकी, चुपचाप बता दे हमारी बानी का है, वरना मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं पता करने के।
अरे भाई क्या शोर मचा रखा है इतनी देर से, सुकून से नहाने भी नहीं देते हो तुम लोग। ये तो तू अपनी चमचियों से पूछ, कहाँ है मेरी बच्ची? बच्ची बानी, हमने बोल दिया ना एक बार, हमें नहीं पता कहाँ है वो। चलो जाओ यहाँ से। बुआ जी, मैं सुबह मिली थी बानी से, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत रो भी रही थी। जरूरी नहीं लोगों ने कुछ किया उसके साथ, मैं बता रही हूँ सच में, मैं मिली थी उससे सुबह ही। बताओ कहाँ है? तो हुआ है बुआ जी। एक काम करो, भाभी जो बोल रही है ना, सामान उतारने को उतार दो ऊपर से जाओ। जी भैया। एक सेकंड, आप मेरे साथ चलो। गाइस, कैसी लगी आपको बानी की कहानी? वी होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी इमोशनल थी वीडियो, तो वी होप कि आपको रोना ना आया हो इसमें। एग्जैक्टली, मतलब लास्ट में तो हम इतने ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे ना कि सबकी आंखों में आंसू थे। आपको पार्ट 3 चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने क्लासमेट दोस्तों सबके साथ शेयर भी कर देना। तो चलो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।